नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट गेट भी इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम थे मैं बहुत बता दिया था कैसे कैसे करना है। आप लोगों को लिंक वहां से प्रोवाइड कर देगा, आप लोग जाकर वहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहा था कि मेरा मतलब नंबर उससे कम है तो मैं क्या करूँ। तो आप लोग भर दीजिए, सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट में निकल जाता है कभी कभी, नहीं तो अभी अगर भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो बाद में वो लोग ऑप्शन देता है। जैसे नोटिस में बोल दिया 6 नवंबर से आई थिंक सेकंड लिस्ट निकलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जेएनयू जो लाइफ साइंस का डिपार्टमेंट है, जेएनयू का जो रिजल्ट कब आएगा। तो आंसर की और रिस्पॉन्स की आप लोग का आ गया, आप लोगों को पता है। तो कट ऑफ क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ क्या हो सकता है जिसमें एडमिशन हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। अगर बात करें जनरल का, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं बताता हूँ, ठीक है। जो भी है वो मतलब सोच समझ के सर्वे थोड़ा लगता है कि ऐसा हो सकता है तो ऐसे बोलता हूँ। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि जो बोल रहा हूँ ऐसे होगा, ठीक है। तो मेरे अनुसार 70 के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है जेएनयू लाइफ साइंस का, ठीक है, जनरल का कट ऑफ। आप ओबीसी का 2 नंबर कम होता है। देखिए जेएनयू का जो लाइफ साइंस का कट ऑफ है ना, थोड़ा इतना नहीं वेरी करता है, 2 नंबर 1 नंबर डिक्रीज करता है कट ऑफ, क्योंकि उस नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट वेरी मतलब आ जाता है। तो ओबीसी का 68 समथिंग होगा, और बात करें अगर एससी एसटी ओबीसी तो 60 के अराउंड होता है वो लोग का कट ऑफ, ठीक है। एसटी का और कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी वो लोग का कम होता है, जनरल का बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा जितना कैंडिडेट होता है उतना कट ऑफ बढ़ने का चांस ज्यादा रहता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। तो जनरल का नंबर ज्यादा उठा लेता है स्टूडेंट एज कम्पेयर टू एससी एसटी ओबीसी, ठीक है। लेकिन इस टाइम क्या होता है, ओबीसी में भी बहुत ज्यादा नंबर उठा लिया जाता है अभी स्टूडेंट, तो ओबीसी का भी कट ऑफ देखिएगा बहुत हाई चला जाता है। लेकिन एससी एसटी का देखिएगा अभी भी कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम होता है अभी भी। तो मेरे अनुसार कट ऑफ 70 के आसपास जा सकता है जनरल का, ओबीसी का 68 जा सकता है आसपास ऐसे, और एससी एसटी का और कम जाता है, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस आप लोग का स्टार्ट हो सकता है अगले महीने से, और रिजल्ट जो है कब निकलेगा, रिजल्ट आपका इस महीने में एंड अक्टूबर एंड में निकल सकता है रिजल्ट, ठीक है, जेएनयू सीईबी का। तो जेएनयू सीईबी बोल रहे जेएनयू ई का, तो आप लोग कोई इतना टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं कि रिजल्ट कब निकलेगा, कब निकलेगा, रिजल्ट आ जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। तो हर बार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आपको।